Hello students, good afternoon. A warm welcome to all of you to the second term of your academic year 2021 and 2022. Today we are going to start with lesson number 13 of EVS 1, Methods of Preserving Food. Now in your previous chapter, lesson number 12, we all have learned food for all. इन दिस चैप्टर आपने सबने क्या सीखा था अबाउट दी एग्रीकल्चर, किस तरह से खेती की जाती है, किसान किस तरह से खेतों में खेती करते हैं, देन विच आर द एग्रीकल्चर सीजन्स, देन द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मैथड एंड द इम्प्रूव मैथड ऑफ एग्रीकल्चर एंड द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाउ टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स, देन स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, देन वॉट आर द टाइप्स और द मीन मैथड्स ऑफ फूड स्टोरेज एंड द कॉन्वर्जेशन ऑफ environment. Now in this chapter we will learn more about the methods of preserving food. Now what do you mean by preserving? Preserving means we to store, to save. Okay, किस तरह से हम long time period के लिए खाने को अच्छी condition में रख सकते हैं उसके methods हम आज सीखेंगे. Okay? Friends, we need wheat, rice, pulses etc. throughout the year. But their crops get ready only at certain times of the year. In order to have the grain available throughout the year, one season's crop must be stored and protected till the next season. अभी देखो हमारे जो staple foods हैं जैसे crops जैसे wheat means गेहूँ, rice चावल, pulses मतलब दाल, ये जो है हम अपने day to day life में हम खाते ही है, daily हम अपने food जो हमारा meal होता है proper उसमें हम include करते हैं, तो ये हम रोज़ रोज़ तो आप देखते होंगे आपके parents खरीदते नहीं होंगे, तो क्या करते हैं ये food जो crops है ये हम साल भर 6 महीने ऐसे घर में ला कर रखते हैं. बट ये क्यों हम ला कर रखते हैं, क्योंकि जो ये पर्टिकुलर जो फूड क्रॉप होता है इसका उगाने का एक अलग सीज़न होता है. आपने सीजन्स टाइप्स ऑफ सीजन्स लर्न किए हैं आपके प्रीवियस क्लासेस में भी, तो आपको ये भी पता है कि कौन से सीज़न में कौन सा फूड क्रॉप ग्रो होता है और क्यों वो ही सीज़न उसके लिए सूटेबल होता है. लेकिन हमें तो ये जो फूड क्रॉप्स होते हैं ये थ्रू आउट द ईयर नीड होते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको प्रिजर्व करके अच्छी कंडीशन में रखना पड़ता है नेक्स्ट सीज़न तक, ताकि तब हमें वो जो भी फूड क्रॉप है मार्केट में इजिली अवेलेबल हो इन अ गुड कंडीशन. डिफरेंट फूड स्टफ्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट प्लेसेस. They have to be made available in good condition to people at long distances. For example, it must be ensured that eggs, milk and milk products remain in good condition during transport from the dairy or poultry farm till they reach their user. So students, यहाँ पे आपने देखा कि जो भी different मतलब अलग अलग खाने की जो चीज़ें होती हैं वो हमें क्या चाहिए, हमेशा गुड कंडीशन में चाहिए. अब जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत लॉन्ग रूट से हम तक पहुंचती है, मार्केट तक आती है, तो वो जब वहाँ से मतलब उस फ्रूट क्रॉप को वहाँ से स्टोर करके लाने तक हम तक जब आता है तो वो गुड कंडीशन में रहे, उसके लिए क्या किया जाता है, मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड यूज़ किया जाता है. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जैसे एग्स, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स. मिल्क प्रोडक्ट मीन्स जो भी चीज़ें दूध से बनाई जाती है उसे मिल्क प्रोडक्ट्स कहा जाता है. जैसे आप देखते होंगे कि आपके घर में मिल्क मैन आता है सुबह, लेकिन वो दूर गांव से आता है, तो वहाँ के उसके आने तक से लेकिन आपको दूध देने तक में वो दूध ख़राब ना हो इसके लिए वो अलग अलग प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं. ठीक है, ना आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पिक्चर्स में आपको दिखाया डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन अबंडेंस इन डिफरेंट सीजन्स. हर सीज़न में आपको हर तरह के फ्रूट मतलब बहुत लार्ज क्वांटिटी में मार्केट में अवेलेबल होते ही है. दे ऑल्सो टेस्ट देयर बेस्ट इन दैट सीज़न. देखो कोई भी फ्रूट जो होता है वो उसके सीज़न में ही खाने में मज़ा आता है. अभी आप जाओगे मार्केट में, मंडी में जाते हो, आपको हर फ्रूट मिल जाएगा अवेलेबल, लेकिन मैंगो अगर हम समर सीज़न में ही खाते तो ही हमें इन्जॉय करते हैं, हमें मज़ा आता है कि नहीं. जिस तरह से अभी एप्पल्स अवेलेबल है, तो अभी हम विंटर सीज़न देख रहे हो आप, स्टार्ट हो गया है, एप्पल्स आ गए, अगर हम इसी सीज़न में खाते हैं तो ही हमें उस चीज़ खाने की मज़ा आती है. टू प्रिवेंट दिस लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड एंड टू इन्जॉय देम ऑल ईयर अराउंड वी मेक एफर्ट्स टू प्रिजर्व देम. मतलब अभी हम पूरा साल हमें ये फ्रूट चाहिए कि हमें मार्केट में मिलता रहे, इसके लिए वो क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स यूज़ कर सकते
करते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रिजर्वेटिव स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं पता है तो लेट मी टेल यू, प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, एक तरह के आप बोल सकते हैं कि सब्सटेंसेस होते हैं जो फूड को ऐड किए जाते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम तक ख़राब ना हो। जैसे एग्जांपल है शुगर, सॉल्ट, विनेगर या फिर मस्टर्ड ऑयल, ये सब क्या है, प्रिजर्वेटिव्स एज अ यूज़ किए जाते हैं ताकि जो भी खाना है वो लॉन्ग टाइम तक अच्छी कंडीशन में हो, वो ख़राब ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपने घर में देखा होगा, अगर अचार बनाते हैं तो उसमें ऑयल बहुत सारा डाला जाता है, क्यों, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक अच्छी कंडीशन में रहे और वो ख़राब ना हो। ओके, नाउ लेट सी दी मोर एग्जाम्पल्स। वेरियस काइंड ऑफ पापड़, जैम्स एंड पिकल्स, ऑनियंस, फिश एंड मसालाज आर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व फॉर द होल ईयर इन मैनी होम्स। Nowadays, we can buy such ready products in market too. मतलब अब ऐसा हो गया आजकल के कंडीशन में कि हमें हर चीज़ रेडीमेड मिलती है। अगर हमें एक पुलाव भी बनाना है तो पूरा पैकेट में रेडीमेड होता है, जस्ट हमें उसको पानी में डाल के पका देना है, बट पहले ऐसा होता था नहीं। लेकिन जो हम ये प्रिजर्व किए हुए जो फूड जैसे हम बोल रेडीमेड मिलते हैं, उससे हमें न्यूट्रिएंट क्या होता है, कम मिलता है। इसलिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए, शॉर्टकट नहीं करना है, जो उसका प्रॉपर वे होता है खाने बनाने का उस तरह से यूज़ करना चाहिए। देखो अभी भी मतलब मार्केट में मसाले अवेलेबल होते हैं, फिर भी देखो आप देखते होगे कि आपकी मम्मा घर में ही बनाती है, क्यों, क्या, ताकि वो अच्छे से प्रॉपर वे से हो। तो ये जो मसाला होता है वो रोज़ रोज़ तो नहीं बना सकते, तो फिर वो 6 महीने, 15 दिन या साल भर तक के लिए बनाते, लेकिन वो ख़राब ना हो उसके लिए क्या करना है, हमें कुछ प्रिजर्वेशन जो मेथड है वो हमें यूज़ करने, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। टू अवॉइड हैविंग टू गो टू द मार्केट फॉर प्रोविजंस अगेन एंड अगेन, वी स्टोर व्हाट वी नीड फॉर सर्वर डेज इन आवर हाउस। मतलब हम क्या करते हैं, प्लानिंग होती है ना घर में कि जो चीज़ें हमको रोज़ यूज़ करनी है, तो हम रोज़ रोज़ मार्केट नहीं जा सकते, इतना फ्री टाइम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अगर घर में सब्ज़ी भी आती है आप देखते होगे, तो मम्मा एक दिन की नहीं लाती, एटलीस्ट 4 दिन या 1 हफ्ते की लाते हैं ताकि रोज़ मार्केट नहीं जाना हो। तो वो सब्ज़ी भी किस तरह से रखी जाती है, उसको प्रिजर्व करते हैं, कहाँ करते हैं, हम फ्रिज में रखते हैं, जो चीज़ें फ्रिज में रखने से अच्छी रह सके, तो उससे क्या होता है, हम लॉन्ग टर्म तक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स यूज़ कर लेते हैं। तो बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाती हैं। ओके, जैसे आप देखोगे बनाना, बनाना ऐसा फ्रूट है कि इसको हम लॉन्ग टाइम तक रख ही नहीं सकते, बहुत जल्दी ख़राब होता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन प्रिजर्व कर सकते हैं, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है ना। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें हमें प्रिजर्व करनी है उसको स्पॉइल होने से बचाना है, बट हमें पता कैसे चलेगा कि जो खाने की चीज़ें वो स्पॉइल हो चुकी है, थिंक ऑन इट। सी द फर्स्ट foremost थिंग वी केम टू नो दैट द फूड और द जो भी खाने की चीज़ है वो क्या है, ख़राब हो चुकी, स्पॉइल हो चुकी, दैट इज़ दी स्मेल। फूड की स्मेल चेंज होती है, टेक्सचर चेंज होता है, कलर भी चेंज होता है। कुछ फूड प्रोडक्ट्स में क्या होता है, फंगस ग्रोथ हो जाती है, उससे भी पता चलता है कि ये चीज़ ख़राब हो चुकी है, स्पॉइल्ड है और हम इसे नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ग्रो हो जाते हैं जो हमारे, अगर हम उसे खा लेंगे तो हमारी बॉडी पर, हमारी हेल्थ पर बैड इफेक्ट देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज कैन यू टेल क्वेश्चंस, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ यू हैव टू टॉक टू योर एल्डरली पीपल इन योर फैमिली, मतलब आपके बड़े भाई बहन या आपके मम्मी पापा से भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जो फूड प्रोडक्ट्स बताए हैं, मिल्क, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, फ्लोर्स, शुगर एंड जैगरी, इनसे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चंस के आंसर्स आप उनसे पूछ सकते हैं। ओके, एंड आई होप कि आप भी, आज देखो अभी आप बहुत टाइम से घर पे ही है, तो आप डे टू डे लाइफ में आप ये ऑब्जर्व करते ही होगे, जब आपकी मम्मी खाना बनाती होगी या फिर सब्जी लाती होगी। नो, यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हेन डू वी से दैट द फूड स्टफ इज स्पॉइल्ड, व्हाट चेंजेस आर सीन। नाउ आई विल ऑल्सो टेल यू द आंसर फॉर द सेम। द फूड स्टफ दैट इज स्मेलिंग फाउल, फाउल स्मेल मतलब क्या, जिसकी बहुत ही गंदी स्मेल आती है, एंड विथ अनप्लीजेंट अपेयरेंस इज अ स्पॉइल फूड, मतलब जिसका टेक्स्चर दिखने में बहुत ख़राब होता है। समटाइम्स देर इज ग्रोथ ऑफ फंगस ऑन द फूड स्टफ, द स्पॉइल्ड फूड अंडरगोज केमिकल चेंजेस, द कलर एंड द टेस्ट ऑफ सच फूड इज चेंज, उसका कलर भी चेंज हो जाता है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है।
There is growth of fungus and microorganisms in such food. Such foodstuff develops hazardous substances in it. This food is bad for health. As I told you, कि अगर ये ख़राब खाना जो अगर सड़ गया है, spoiled हो गया है, अगर आप खाते हैं तो इसका बहुत ही bad effect होता है. Hazardous means बहुत ही, मतलब एक तरह से poison की तरह हो जाता है वो हम human being नहीं खा सकते, या फिर हम कोई भी living thing खाएगा तो वो बीमार पड़ जाएगा. तो हमें ऐसा कुछ जो सड़ा खाना है हमें किसी animal को भी नहीं देना है. ये पूरा ही क्या हो जाता है, खाना वेस्ट हो जाता है. तो ये ना हो, इसलिए हमें ये प्रिजर्वेशन मेथड समझने हैं और सीखने हैं. ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम इन विच फूड स्टफ्स गेट स्पॉइल्ड डिफरेंट इन डिफरेंट सीजन. यस, देखो हर सीजन में क्या होता है, अब आपके आसपास के सराउंडिंग में चेंजेस देखते हो, उसी तरह से आप टेम्परेचर में भी चेंज देखोगे. समर सीजन बहुत ही हॉट सीजन होता है, गर्मियों का सीजन सनलाइट फुल होती है उसमें. तो ये जो हॉट क्लाइमेट होता है उसमें मीन्स क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं फूड में. तो अगर आपने ध्यान दिया होगा कि गर्मी के दिनों में अगर खाना बहुत सुबह बनाया है और हमने उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, फ्रिज में नहीं रखा, कूलिंग नहीं की, तो क्या होता है, वो शाम तक स्पॉइल हो जाता है. सेम वे अगर विंटर सीज़न है, अभी जैसे भी विंटर सीज़न स्टार्ट हुआ है, बट ऐसा है नहीं होता है कि अगर खाना दिन भर भी बाहर रखा हुआ है, टेम्परेचर कैसा है, लो है, कूल है, तो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो हो पाते, इसलिए खाना ज़्यादा टाइम तक अच्छा रहता है. अब जिनके घर में देखो फ्रिज रेफ्रिजरेटर नहीं होता, आपने ये भी देखा होगा कि वो दूध के पैकेट्स ठंडे पानी में भी डाल कर रखते, क्यों, ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना हो. कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने से क्या होता है, खाना स्पॉइल होना शुरू हो जाता है. स्पॉइलिंग ऑफ फूड स्टफ इज़ डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग. फूड स्पॉइलेज इज रैपिड व्हेन द सराउंडिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज मोर. इफ द सराउंडिंग एयर इज ड्राई एंड कूल द फूड स्पॉइलेज इज नॉट इमीडिएट. थस द फूड स्टफ्स टेक डिफरेंट टाइम फॉर स्पॉइलेज इन डिफरेंट सीजन. इन समर सीजन फूड में गेट स्पॉइल्ड रैपिडली बट नॉट सो ड्यूरिंग विंटर. जैसे भी मैंने आपको बताया कि समर सीजन में क्या होता है, ज़्यादा चांसेस होता है खाना स्पॉइल होने का. नाउ विच फूड स्टफ स्पॉइल मोस्ट क्विकली, मैंने आपको अभी बताया था मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश, मीट एट्सेट्रा आर द फूड स्टफ्स दैट स्पॉइल मोस्ट क्विकली. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट मेजर्स आर टेकन टू कीप द फूड स्टफ्स इन द हाउस इन गुड कंडीशन फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल. Now for this what we can do, we keep certain foodstuffs in the refrigerator. Some foodstuffs are dried and when then stored, some are processed and kept for longer time. ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा है, आप सबको पता चल गया होगा कि किस तरह से different climate, seasons और different preservative methods से हम खाने को सड़ने से, spoiled होने से बचा सकते हैं. If we know the reason why foodstuffs go bad, we know what to do to keep them from spoiling. Find the information you obtain, you must have gathered the following. Now see, in winter, that is in cold weather, foodstuffs keep longer. If they are kept in a refrigerator or kept cold ice, they keep even longer. अभी आपने देखा होगा फिश मार्केट में भी आप जाते हो, फिश को या फिर जो भी मीट प्रोडक्ट्स होते हैं नॉन वेज, वो क्या करते हैं, उसको आइस में रखते हैं. क्यों, ताकि वो स्पॉइल ना हो. कि अगर उसमें वार्म ज़्यादा हो जाएगी, गर्मी ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो गया और सड़ जाएगा. क्योंकि वो रोज़ रोज़ तो नहीं खरीदने जाते हैं ना फिश मार्केट में लाने के लिए, तो इसलिए क्या होता है, उसको आइस या रेफ्रिजरेट करके रखा जाता है. ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर स्टोरिंग. ऑनियंस एंड पोटैटोज आर केप्ट टू ड्राई इन द ओपन एयर इन समर एंड देन स्टोर्ड इन अ ड्राई प्लेस. समर सीजन में क्या किया जाता है, अभी देखो कभी कभी क्या होता है, रेनी सीजन में सब्जियां जो आती है, आपने देखा होगा बारिश की वजह से क्या हो जाती है, वेट होती है. बट अगर हम उसको वेट वैसे ही घर में रखेंगे तो वो ज़्यादा दिनों तक अच्छी कंडीशन में नहीं रहती है, वो सड़ जाती है. इसलिए क्या किया जाता है, उसको समर सीजन में सनलाइट में रखा जाता है, उसको ड्राई किया जाता है और फिर स्टोर करके रखा जाता है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स उसमें फंगस ना ग्रोथ हो. अभी फंगस का अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो यहाँ पर देखो एक चपाती का एग्जाम्पल दिया है. आपको क्या करना है, एक डब्बा लेना है, उसमें चपाती रखनी है और दो दिन उसको पूरा पैक करके रख दो, जहाँ पर उसको बिल्कुल भी एयर ना मिले. तो क्या देखोगे आप, उसका टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर का कॉटन लाइक फंगस ग्रो हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बट आपको जो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, अगर आप माइक्रो स्कोप से देखोगे तो ये आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे दिखेंगे, वरना वो ग्रीन कलर की आपको चपाती लगेगी. और एक चपाती आप फ्रिज में दो दिन के लिए रख दो तो वो लेकिन ख़राब नहीं होगी.
If we boil milk, it does not get spoiled immediately. Curries and vegetables preparation are brought to be a boil to prevent them from spoiling till the next meal. Milk, mango pulp are foods that spoil quickly. Our food has to be kept away from ants, cockroaches, other insects, mites, rats and cats. जैसे भी हमने लास्ट चैप्टर में भी सीखा था कि स्टोरेज ऑफ फूड इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अगर उसे कॉकरोचेज या इंसेक्ट्स खा लेते हैं तो फिर क्या होता है, उसमें अदर इंसेक्ट्स ग्रो होते हैं और फिर क्या होता है, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होने लगते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सी दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अबाउट दी फूड. यू नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस इन दी एयर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी एयर में, हम ब्रीथ भी कर रहे हैं तो उसमें कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, बट हम हमारी नेक मतलब हमारी आंखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते. फॉर दैट वी नीड दी माइक्रोस्कोप. यूजुअली एयर, मॉइस्चर एंड वार्मथ आर अवेलेबल वेयर फूड इज केप्ट. इट मीन्स दैट इट इज ऑलवेज पॉसिबल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ग्रो रैपिडली इन अवर फूड और दी फूड स्टफ्स. वी कैनॉट सी दैम बट इफ दे बिगिन टू ग्रो अवर फूड गेट स्पॉइल्ड. हम उन्हें देख तो नहीं सकते बट हमारा खाना उससे खराब हो सकता है. सच स्पॉइल्ड फूड कैन कॉज अ स्टमक डायरिया, वॉमिटिंग एक्सेट्रा. द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ सच फूड इज ऑल्सो रिड्यूस. सम टाइम इट कैन इवन थ्रेटन लाइफ. मतलब कभी कभी क्या हो जाता है, फूड ऐसा सड़ा खाना खाने से जान भी जा सकती है. तो और क्या होता है, हमें बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे हमारा पेट दर्द होता है, डायरिया होता है, वॉमिटिंग होने लगती है. तो हमें हमेशा अवॉइड करना है. बट ये खाना सड़ गया, इसकी पहचान करने के लिए भी हमको, देखो हमने इतनी सारी चीज़ें समझी कि हमको कैसे समझेगा, उसका टेक्सचर चेंज होगा, स्मेल चेंज होगी, टेस्ट चेंज होगा, तो हमें उससे समझ में आ जाएगा कि ये खाना अब खाने लायक नहीं है. ओके, नाउ लेट्स सी इन डिटेल द मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. फर्स्ट वन इज़ दी ड्राई. आप पिक्चर में देख रहे हो पापड़. पापड़ देख आपने देखा होगा कि कौन से सीज़न में ज़्यादातर बनता है, समर सीज़न में, क्योंकि उसको ड्राई करना पड़ता है. अगर हम रेनी सीज़न या विंटर सीज़न में निकालेंगे बनाने के लिए तो बन पाएगा, नो, एंड इट विल गेट स्पॉइल बहुत जल्दी, बहुत रैपिडली स्पॉइल हो जाएगा. तो समर सीज़न इज़ द सीज़न फॉर ड्राइंग दी फूड स्टफ्स लाइक वीट, दाल, पापड़, कुरडई. ओके, आपने देखा होगा विंटर सीजन्स एंड और रेनी सीजन में कैसी होती है, एयर में मॉइस्ट होती है, मतलब एक हल्का सा नमी होता है, गीलापन होता है. अगर उसमें हम ये सब चीज़ें बनाते हैं और हम अनाज को ऐसे ही एयर में खुला रखते हैं तो क्या होगा, उसमें क्या हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है, फंगस ग्रोथ हो सकती है. तो इसलिए वो ध्यान रखना है. द नेक्स्ट वन इज़ द कूलिंग. कूलिंग क्या करना है, व्हेन द फूड इज़ प्लेस इन अ रेफ्रिजरेटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट गेट दी वार्म दे नीड फॉर ग्रोथ. मतलब उनको वो वार्म मिलेगा नहीं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते, तो क्या होगा, खाना ज़्यादा दिनों तक अच्छा रह सकता है. जैसे हम चटनी हो, सॉस हो, हम क्या करते हैं, फ्रिज में ही रखते हैं ना, ताकि ज़्यादा टाइम तक वो अच्छी कंडीशन में हो, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना हो. नेक्स्ट वन इज़ दी बॉइलिंग. देखो अभी बारिश के दिनों में तो मैक्सिमम ऐसा होता है कि हमको कंपलसरी पानी बॉइल करके ही पीना होता है. क्यों, बॉइलिंग से क्या होता है, जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल होते हैं. इवन दी मिल्क, हम कभी भी मिल्क लाते हैं तो हम ठंडा नहीं पीते, हम उसको क्या करते हैं, बॉइल करते हैं अच्छे से. क्यों, ताकि उसमें के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं जो हमारी हेल्थ ख़राब कर सकते हैं वो उसमें किल हो जाए. द नेक्स्ट वन इज़ दी प्लेसिंग इन एयर टाइट कैंस. ना अब जो देखो आपने यहाँ पे देखा होगा, देखो स्वीट्स भी बहुत सी आती है, जैसे रसगुल्ला, यहाँ पे आपको दिया है टमाटो सॉस का दिया है एग्जांपल, या फिर अचार, ये सब क्या बोलते हैं, हम एयर टाइट कैंस में रखना चाहिए. मतलब बिल्कुल इस तरह से हम उसको बंद करके रखना है कैन को, कि इसमें एयर या पानी नहीं जा सके, वाटर. अगर वो एंटर हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो जाएंगे. और ऐसे चीज़ों को हमें हमेशा संभाल कर अच्छी जगह रखना है ताकि उसमें हवा या पानी ना जा सके, जिस तरह जिस वजह से खाना और जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी दिन तक ज़्यादा देर तक रह सकती है. अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है, ट्राई दिस, ये आपको सिर्फ ये समझाने के लिए दी है ताकि आप इसको रीड कर सकते हैं. ठीक है, आपको करना नहीं है क्योंकि आपने ये जो पढ़ा है लेसन इससे आप समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको करना है तो आप आपके पेरेंट्स की हेल्प से ये कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर हम प्रिजर्वेटिव मेथड्स नहीं यूज़ करते हैं तो क्या होगा, खाना सड़ सकता है ज़्यादा दिन, मतलब स्पॉइलेज ऑफ फूड होगा और वेस्टेज ऑफ फूड भी होगा, तो हमें ये नहीं करना है. ठीक है ना स्टूडेंट्स, डू यू नो मच ऑफ द वेराइटी इन द टेस्ट of our food is due to spices. Every spice has a different flavor or taste. They have strong taste and flavors and are also therefore used in very small quantities. Spices can be dried and stored for a long time. They can be mixed and powdered to make many different masalas. Different spices are obtained from specific parts of different plants.
ये जो स्पाइसेस भी होते हैं हम इसको फूड में क्यों ऐड करते हैं, इससे इसके अच्छे अच्छे टेस्ट होते हैं और ये जो है हर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट से मिलता है जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। ओके नाउ स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर व्हेन बाइंग फूड इन सील्ड बैग्स और बॉक्सेस मेक श्योर यू चेक द एक्सपायरी यूज़ बिफोर डेट प्रिंटेड ऑन इट। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि वो फूड जो हमने ख़रीदा है या सील पैक बैग जो बाहर से खरीदते हैं उसकी एक्सपायरी डेट चेक कर लेनी, क्योंकि अगर उसकी एक्सपायरी डेट ख़त्म हो चुकी है तो उसमें क्या हो सकता है, वो स्पॉइलेज ऑफ फूड स्टार्ट हो चुका है, तो इसका हमें हमेशा ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न इफ पिकल्स जैम्स पापड़ एक्सेट्रा आर मेड इन द राइट सीजन दे कैन बी इंजॉयड फॉर द होल ईयर। मतलब अगर सही सीजन में अगर हमने सही चीज़ें बनाई हैं तो हम उसको पूरा साल इंजॉय कर सकते हैं, उसमें कोई भी स्पॉयलेज नहीं होगा। इफ़ एयर वाटर एंड वार्म आर अवेलेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो रैपिडली इन फूड स्टफ्स, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज द फूड स्टफ्स टू गेट स्पॉइल्ड। अगर पानी हवा और गर्माहट बोलते हैं ना वार्म, अगर वो ज़्यादा होगी तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होंगे और वो फूड को पूरा स्पॉइल कर देंगे। ड्राइंग कूलिंग बॉइलिंग एंड कैनिंग फूड स्टफ्स एज ऑल्सो एडिंग प्रिजर्वेटिव्स टू डैम आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड। ओके स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल हैव इन्जॉयड दिस लेसन एंड यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।